अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जौहर के इलाके में, जहाँ पे सर्कुलर रेलवे का ट्रैक गुजर रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ब्रिज है, और ये ब्रिज नाले का नहीं है, कोई नाला यहाँ से नहीं है, ये सर्कुलर रेलवे का ब्रिज है। इसके नीचे से KCR के ट्रैक गुजर रहा है सर्कुलर रेलवे का। और अभी आप पोजिशन देख सकते हैं कि यहाँ की क्या पोजिशन है। मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, यहाँ बिल्कुल नाला बना हुआ था, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ हद तक जो है पानी यहाँ से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मलबा बाकी है, जो उम्मीद है जल्द साफ़ हो जाएगा और ट्रैक का काम जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ ट्रैक की, यहाँ की पोजीशन। चलो, ये जब पुल आप देख रहे हैं, इसके पीछे से ट्रैक आएगा, कराची यूनिवर्सिटी से ट्रैक ये आ रहा है, और ये पुल के नीचे से होता हुआ ये ट्रैक है। यहाँ पे जब ये क्लियर होगा तो ट्रैक वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा यहाँ से, और ये आगे जाएगा डिपो हिल तक। जौहर का ये इलाका है, और सबसे मुश्किल टास्क यही है जौहर में कराची सर्कुलर रेलवे का, और देखते हैं कि कब ये काम शुरू होता है यहाँ पर और कब ट्रैक बहाल होता है। डिपो हिल तक तो ट्रैक बहाल कर दिया गया है, वहाँ पर ट्रायल भी ट्रॉली के साथ हो गया है, लोकोमोटिव के साथ। देख सकते हैं जिस तरह ये गैप बना हुआ है, बीच में पुल के नीचे गैप चल रहा है, और ये झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये झाड़ियाँ जैसे जैसे आगे जा रही हैं, ये नाला जो बना हुआ था ये आगे जाता जा रहा है, ये सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पे बना हुआ है बिल्कुल ऊपर। तो जैसा कि आज मैंने आपको सर्कुलर रेलवे का ये जौहर का इलाका दिखाया, यहाँ पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिलहाल जो काम चल रहा है डिग रोड से डिपो हिल तक काम चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है जो डिपो हिल से आगे काम स्टार्ट होगा, और जैसे ही आगे कुछ काम होता है इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी तक फिलहाल यहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन लाजमी दबाएगी, ताकि आपको अपडेट्स आती रहे मेरे आने वाली वीडियोज़ की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखें, हाफिज़।